सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज 24 दिसंबर 2019 मंगलवार की जो 5 बड़ी वैकेंसी निकली है, गवर्नमेंट जॉब जो निकली है, इनके बारे में पूरी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, पूरी डिटेल दोस्तों आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आप इस हफ्ते का रोजगार समाचार पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 21 से 27 दिसंबर 2019 का जो रोजगार समाचार पत्र है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है, जिससे आपको इस तरह डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की जो पहली जो वैकेंसी निकली है, दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट 2019 से निकला है। दिल्ली पुलिस ने 649 हेड कांस्टेबल के पदों के लिए रोजगार समाचार पत्र में ये नोटिफिकेशन दिया है। इच्छुक उम्मीदवार जो हैं वो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांग रखी है, 10वीं 12वीं पास इसमें शैक्षणिक योग्यता मांग रखी है। पदों की जो संख्या है 649 है। हेड कांस्टेबल की ये वैकेंसी है और 23/12/2019 से इसका नोटिफिकेशन 23/12/2019 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 27/1/2020 रखी गई है। 28 दिसंबर 2019 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और आयु सीमा 18 से 25 वर्ष इसमें रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी इसमें दी जाएगी, जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है। सिलेक्शन इसका कैसे होगा, तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपकी परीक्षा होगी, मेडिकल टेस्ट होगा, पीईटी पीएसटी होगा, उसके बाद आपका जो है कैंडिडेट का ही इसके बाद ही कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। और आवेदन कैसे आपको करना है, तो आवेदन जो है ऑनलाइन आपको करना है। आवेदन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आवेदन फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये, एससी एसटी और वुमेन के लिए फीस इसमें नहीं है। तो दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन का लिंक 28 दिसंबर 2019 से एक्टिवेट होगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में ये वैकेंसी निकली है। 200 उप शिक्षा अधिकारी, उप अधीक्षक और अन्य पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं। कैसे आपको अप्लाई करना है और शैक्षणिक योग्यता क्या है वो आपको बता देते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता, इंजीनियरिंग डिग्री, स्नातक डिग्री एवं मराठी जो भाषा है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। और साथ ही आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। शैक्षणिक योग्यता के लिए पदों की जो संख्या है 200 है। इसमें जो अलग अलग हैं पद, सहायक राज्य कर आयुक्त, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समूह विकास अधिकारी, सहायक आयुक्त, परियोजना अधिकारी कैटेगरी सेकेंड, इसी तरह इसमें 14 ये टोटल पोस्ट हैं। उप तहसीलदार, उप अधीक्षक, इस तरह के ये पोस्टें भी इसमें। और 23/12/2019 को इसका नोटिफिकेशन निकला है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 13/1/2020 इसमें रखी गई है। उम्मीदवार की जो आयु होनी चाहिए 19 से 38 के बीच इसमें आयु होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट के लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो सभी कैंडिडेट को मिलेगी, एस सी एस टी और पी डब्ल्यू एस की जो कैंडिडेट हैं। और आवेदन आपको कैसे करना है, तो आवेदन इच्छुक उम्मीदवार जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आवेदन करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन इसका पढ़ लेना है। आवेदन फीस जनरल के लिए 524 रुपये, एस सी एस टी ओ बी सी के लिए 324 रुपये इसमें रखी गई है। और इसके लिए दोस्तों आपको जो इसका नोटिफिकेशन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों जो निकली है, सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट में ये वैकेंसी निकली है। मध्य रेलवे ने 2562 अप्रेंटिस के पोस्टों के लिए रोजगार समाचार पत्र में नोटिफिकेशन जारी किया है। और जो इच्छुक उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10th और ITI इसमें मांग रखी है। इसके लिए आपको इसका एक बार नोटिफिकेशन भी देख लेना है। पदों की जो संख्या है 2562 इसमें पद हैं। और पद का जो नाम है अप्रेंटिस, इसमें पद का नाम है जो इसका नोटिफिकेशन छपा है 23/12/2019 को। आवेदन करने के लिए जो अंतिम डेट है वो 22/1/2020 इसमें रखी गई है। आयु सीमा 18 से 24 वर्ष आपकी होनी चाहिए। साथ ही इसमें जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है आयु सीमा में वो भी इसमें मिलेगी। इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के अनुसार ही कैंडिडेटों का सिलेक्शन होगा। सैलरी भी आपको इसमें अच्छी मिलेगी। आवेदन ऑनलाइन आपको करना है। ऑनलाइन आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये इसमें फीस है। एससी एसटी के लिए इसमें फीस जो है नील है।
और ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों, RBI रिक्रूटमेंट 2019 से निकला है। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई महाराष्ट्र ने 926 सहायक के पदों के लिए रोजगार समाचार प्रकाशित किया है और जो RBI में जो जॉब के इच्छुक जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो पूरी जानकारी है वो आपको बता देते हैं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक डिग्री इसमें मांग रखी है, साथ ही आपको शैक्षणिक योग्यता के लिए एक बार इसका नोटिफिकेशन भी देख लेना है। और 926 इसमें पोस्ट हैं सहायक की। 23/12/2019 से 16/1/2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवार की अधिकतम आयु जो इसमें रखी गई है 28 वर्ष रखी गई है। आयु सीमा में छूट भी इसमें मिलेगी, इसके लिए आपको इसका नोटिफिकेशन देख लेना है। तो दोस्तों, इसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और इसके अनुसार ये कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। और आवेदन कैसे आपको करना है, तो ऑनलाइन आवेदन आपको इसका करना है। ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, साथ ही जो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी इसका जो ऑनलाइन आवेदन का लिंक है वो भी दिया हुआ है। जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये फीस है, SC ST PWD के लिए 50 रुपये इसमें फीस है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन और आवेदन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको इस तरह डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही दोस्तों, इन भर्तियों से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या आपकी कोई समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।